कम से कम एक कम से कम इसके बाद में 11,000-15,000 जैसा ग्राहक हो वैसा लूटते हैं लोग। एक मुखी का, हाँ मैंने सुना है ना 25-25। हम लोग हैं ये बाबा बागेश्वर धाम के रुद्राक्ष के स्टॉल लगाए हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुशवाहा साहब। कुशवाहा साहब, ये रुद्राक्ष में लोग बना बना रुद्राक्ष बेचते हैं आपके पास, ये जो सब है फल के रूप में ये क्या है सब? ये नेपाल से आता है साहब, फल है, ओरिजिनल फल है रुद्राक्ष का। हाँ जी, रुद्राक्ष निकलता है इसमें 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी। दिखाइए इस पे कैसे कैसे दिखते हैं, कैसे दिखाते हैं इसमें, कैसे पहचानेंगे, क्या है पहचान? ये 3 मुखी फल है, लंबा फल रहता, ये लंबा फल जो रहेगा 3 मुखी। हाँ, ये गोल फल रहता है, 5 मुखी रहता। जी जी, क्या अच्छा। इसमें से निकालेंगे अपन, 5 मुखी फल निकलेगा। ओके, ये अच्छा। निकाल के बताता हूँ आपको। अच्छा, ये 5 मुखी आएगा? 5 मुखी आएगा। इन्होंने पहले कहा था जब छिलका था ऊपर तभी बता दिया था कि 5 मुखी होगा। हाँ, आप छील के उसको दिखा रहे हैं कि कैसे 5 मुखी होगा। देखिए छीलने की प्रक्रिया देखिए। कितने साल से आप ये कार्य कर रहे हैं? मैं 4 साल हो गए साहब, उज्जैन महाकाल में रहता हूँ। अच्छा, महाकाल से आप आए हैं? हाँ जी। तो गुरुजी का जो कार्यक्रम रहता है वहाँ जाते हैं आप क्या? जी साहब, हर जगह जाते हैं, हर जगह जाते हैं। अहमदाबाद जाएंगे? अभी अहमदाबाद जाएंगे। ये 5 मुखी फल है, दिखाइए। ये 5 मुखी देखिए, जिस तरीके से पहले भाई साहब ने बताया था कुशवाहा साहब ने, वैसे ही 5 मुखी निकला है। तो 5 धाराएं पूरी, 5 धाराएं निकली है उसपे, 5 मुखी है। अब एक चीज बताइए, अभी आपने दूसरा दिखाया था, खोलिएगा मत, आपका नुकसान न हो, लेकिन वो उसकी पहचान बताइए, ये फल कैसा था, वो कैसा है? ये ऐसा है, बड़ा फल रहता है और लंबा फल रहता। अच्छा, वो इसमें 3 मुखी निकलता, 3 मुखी। अच्छा, ये बच्चों के काम आता, बच्चों के एक मुखी से लेकर? हाँ जी। अच्छा, लाभकारी सबसे ज्यादा कौन सा? सबसे ज्यादा लाभकारी होता है 1 मुखी और दूसरा रहता है 5 मुखी। अच्छा, ये निरोगी काया रहता है, गले में भी पहन सकते हो। अच्छा, इसका पानी भी तांबे के लोटे में डाल के पी सकते हो। अच्छा, एक चीज बताइए, इस मार्केट में ये जब रुद्राक्ष बात आती है तो इसमें बड़ा भाव होता है, क्या भाव बेच रहे हैं आप? 50 रुपए का एक बेचते है, एक ही रेट आप ना? हाँ जी, मार्केट में तो बहुत भाव है इसका, आता है ना। पंडित जी लोग तो 1,000-1,000 रुपए ले लेते हैं, 5,000 ले लेते हैं। लेते हैं सब, लेते हैं ना। हाँ, 50 अपन एक ही रेट ही पे 50 रुपए का है, कोई सा भी ले लो। अच्छा, चाहे 1 मुखी, चाहे 2 मुखी, चाहे जो भी? नहीं, 1 मुखी नहीं है साहब, अभी नहीं मिलेगा। हाँ जी, वो ज्यादा महंगा होता है क्या? दिसंबर में आता है, 2100 रुपए से कम नहीं आता। अच्छा, 2100 रुपए कम से कम, एक कम से कम, इसके बाद में 11,000-15,000 जैसा ग्राहक हो वैसा लूटते हैं लोग। एक मुखी का, हाँ मैंने सुना है ना 25-25,000 रुपए। हाँ, एक वो लूटने वाला काम रहता है। अच्छा, आप नेपाल से लिया 1200 रुपए मिलता है और 2100 में बेचते हैं हम। अच्छा, ओके। तो अभी अहमदाबाद वाले गुरुजी का कार्यक्रम में आप चल रहे हैं? हाँ, अहमदाबाद चलेंगे साहब। तो देखिए, कुशवाहा साहब थे जिनसे हमारा सवाल यही था, 1 मुखी 2 मुखी से लेकर 14 मुखी तक उन्होंने बताया। ये काफी अनुभवी हैं। अभी फिलहाल बागेश्वर धाम सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है गुजरात के सूरत में, वहां पे बैठे हैं और इनके स्टॉल पे हमने बात करी है। आपने जरूर इसे कुछ सीखा होगा और ये समझ के चलिए। और कुछ राज है तो बता दीजिए 2 शब्दों में, इन फलों की पहचान, लोग ठगे जाते हैं। ये फलों की पहचान कभी भी लो, फल से लो। दूसरा, ये खुला हुआ फल रहता है, इसको क्या है, 2 कलदार रख के घुमाओ आप तो ये घूमेगा, वो ओरिजिनल रहता है। ऐसे वो घूमेगा, वो ओरिजिनल फल रहता। अच्छा, और जो प्लास्टिक के ढले रहते हैं वो नहीं घूमते। अच्छा, जो घूमते नहीं है। हाँ, ओके। पानी में भी डूबो ये डूब जाएगा। अच्छा, और वो फल नहीं डूबेगा, वो ऊपर तीरेगा। फिर जो आप दे रहे हो तैरेगा? नहीं, वो डूबेगा, ओरिजिनल डूब जाता है। हाँ, ओके। और जो नकली रहता है वो ऊपर तीरता है, फिर उसके बाद डूबता है वो। अच्छा, पानी पीने के बाद। देखिए ये कितना बढ़िया जानकारी, धन्यवाद कुशवाहा साहब, धन्यवाद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रुद्राक्ष का भंडार है और एकदम बेहद सिंपल तरीके से बैठे हैं, लेकिन उनके उनकी जो शैली है कितनी प्रभावकारी है और कितना बढ़िया जानकारी दे रहे हैं। अभी आपने देखा बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और बाबा बागेश्वर धाम का जो कार्यक्रम है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। शाम का वक्त, शाम 6 बजे से कथा होने वाली है, लेकिन फिलहाल के लिए हम आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं कि लोग यहाँ पे किस तरीके से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आपने देखा चंदन वाले, जो पूरी टीम है वो चंदन वाले अपनी आपके साथ जुड़ते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्पना लेकर वो पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। इसी तरह आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए मेले जैसा परिदृश्य है यहाँ पे, और मेले जैसी परिदृश्य बनता है और लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। कितना मुखी चाहिए बेटा? आप कौन सा मुखी? 2 चाहिए। तेरे हाथ से निकाल ले, लाओ थैली में रख ले। और दो दे, एक ही में रख ले यार बेटा, आ जाएंगे वो। हाँ बहन, 3 मुखी वाला एक दे। ये 3 मुखी लंबा फल है ना, इसलिए।
साफ करूं नहीं, गोल फल रहेगा वो पांच मुखी रहेगा बेल, और लंबा फल रहेगा वो तीन मुखी रहेगा। इसको सेहत लगाना और भोलेनाथ जी के आगे रख देना रात भर, सवेरे आके खोल लेना इसको, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी।